हेलो एवरीवन, आज हम लोग बना रहे हैं रिकवंच। रिकवंच बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ये घुइयों के पत्ते से बनती है। पत्ते मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और ये घर में भी लोग लगाते हैं। ये इस तरह के घुइये के पत्ते होते हैं। पत्ते को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, देखिए आप देख सकते हैं। आइए इनका मसाले देख लेते हैं। इसमें मैंने यहाँ चार प्याज लिए, एक एक इंच के दो टुकड़े अदरक के लिए हैं, दो लहसुन की पोती है और एक छोटा सा हरा कच्चा आम है। और आम अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें खटाई भी खड़ी डाल सकते हैं, मगर आजकल आम का सीज़न है इसलिए मैं आम डाल रही हूँ। यहाँ मैंने एक कप दाल उड़द की सोख करने के लिए रख दिया था करीब 2 घंटे पहले। यहाँ मैंने तो 3 बड़ी इलायची है, 1 चम्मच ज़ीरा है और एक थोड़ी सी हमारी काली मिर्च है। दाल जो हमने सोख किया है उसको अब हम बिल्कुल बारीक ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। और जब दाल हमारी थोड़ी बारीक रहनी चाहिए, अच्छे से पीसना चाहिए। पहले आप थोड़ा सा उसमें ऐसे ही चलाइए, फिर थोड़ा पानी डाल के पीसिए। देखिए कितनी बारीक दाल हमारी पिस गई है। बस हमें बिल्कुल ऐसे ही दाल चाहिए। हमने आपको जो गरम मसाला दिखाया था उस गरम मसाले को भी हमें बारीक पीस लेना है और ये जो अदरक लहसुन प्याज दिखाई थी उसे भी हमें बारीक पीस लेना है। ये सारी हमारी तैयारी हो गई है। अब ये जो दाल हमने पीसा तो वो गरम मसाला सारा इस दाल में हमें डाल देना है। एक तो आधा चम्मच यहाँ हम लाल मिर्च डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप अपने नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। और यहाँ हींग डाली है हमने। हींग ज़रूर डालिएगा दाल में, इससे हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। वैसे भी उड़द की कोई भी चीज़ बनती है उसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सारे मसाले डालने के बाद इसे आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच पिसी हुई खटाई डाली है और नमक मैंने टेस्ट किया तो थोड़ा कम था इसलिए हमने नमक और डाल दिया है। जो घुइये के पत्ते हमने लिए थे हमें इस तरह से उसे क्लीन करना है। इस तरह से देखिए इसके रेशे निकल जाएंगे बहुत आसानी से। ये देखिए इतनी आसानी से इसके सारे रेशे निकल जाते हैं। बस इसी तरह आप सारे पत्ते एक एक करके साफ़ कर दीजिएगा। देखिए इतने ये रेशे ऐसे निकल जाते हैं। बस जो दाल हमने पीसी थी उनको इस पत्तों पे आराम से लगा देना है। पूरे पत्ते पे आप अच्छे से दाल फैला के लगाइए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये हमारी दाल आप देख रहे हैं पत्ते पे कितनी आसानी से लगते ही चली जा रही। आप एक के बाद एक पत्ते रखते जाइए और सब पे दाल लगाते जाइए। और इसी तरह से आपको जितने भी पत्ते लेने हैं अपने हिसाब से आप उतने पत्ते ले लीजिए और दाल आप उतनी बढ़ा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप दाल बढ़ा दीजिए और एक के बाद एक लेयर पत्तों पर लगाने के बाद इस तरह से आप पूरे पत्ते रेडी कर लीजिए। ये हमारा एक पत्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है क्योंकि हमारे पास पत्ते कम थे तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 ही बार बनाएंगे और आप ज़्यादा और पत्ते ले सकते हैं। हमारे यहाँ पत्ते बन के बिल्कुल इस तरह से तैयार है। यहाँ हमने स्टीम होने के लिए एक पैन में पानी रख दिया। पानी भी हमारा बॉइल्ड हो रहा है और जो हमें जिस छन्नी में हम स्टीम करेंगे उसको हमें ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद रखना है ताकि ये चिपके ना, क्योंकि उड़द की दाल चिपकने लगती है जब हम बॉइल करने के लिए रखते हैं। और यहाँ बीच में एक दो बार आप चेक करके देख लीजिए कि अभी हुआ है या नहीं। अभी ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इसमें। हमने इसको चेक करके देखा है, अभी ये वाला हो गया तो हमने इसको पलट दिया। बस अलट पलट के आप इसको स्टीम कर लिए। इधर ये हमारा स्टीम हो गया है, हमने गैस ऑफ कर दी है। यहाँ पे हम ऑयल डाल लें, ऑयल हमारा मस्टर्ड है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें आप मेथी का दाना डाल दिए। मेथी का दाना जब अच्छे से क्रैकल हो जाए तो जो आपने अदरक लहसुन पीसा है वो पेस्ट इसमें डाल के 2-3 मिनट आप इसको भून लीजिए अदरक लहसुन प्याज को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमेशा भूनेंगे आप, देखिए कच्चापन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच मिर्च डाली है और यहाँ पर मैंने ये पिसी धनिया मैंने यहाँ 3 चम्मच डाली है ताकि हमारा ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रहे। और नमक मैंने डाली है, नमक मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हमने जो 2 मिनट इसको पकाने के बाद जो आम लिया था उसको बारीक बारीक इस तरह से खटाई की तरह काट के इसमें डाल देना है। अगर आपके पास आम ना हो तो आप सूखी खटाई खड़ी डाल सकती हैं। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुका है स्टीम होके। देखिए बिल्कुल साफ़ हमारी आया है तिली। और इस तरह से इसको हमें कट कर देना है, इस पीसेस को यहाँ से जब ठंडा हो जाए थोड़ा तो इसको आप इस तरह से कट कर दीजिए। और देखिए कितना बढ़िया कट हुआ है। और इसको हमें फ्राई करना है एक एक करके। उधर हमारा मसाला भी भुन रहा है और उतनी देर में हम इसे फ्राई भी कर लेंगे। बहुत से लोग इसको फ्राई भी खाते हैं और आप इसको भी फ्राई खाइए। फ्राई खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे जैसा खाना चाहें ये आपकी मर्ज़ी पे है। चलें ये देखिए हमारा फ्राई हो रहा है, हमने हर तरफ से इसको अलट पलट के इसे फ्राई कर दिया है। ये इसी तरह से हमारे जितने भी बने थे हमने सबको फ्राई कर लिया। चलें हम अपना मसाला देखते हैं। हमारा मसाला भी देखिए काफ़ी हद तक भुन चुका है।
अब यहाँ पे हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। ये बाज़ार वाला गरम मसाला है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, इसलिए इसको आप ज़रूर इसको डालिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। यहाँ हम मसाले में अब हम 2 ग्लास पानी डाला है। उसके पानी डालने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाए तो जो आपने रिकवंच को तल के रखा है वो इसमें डाल दीजिए और गैस धीमी करके इसको करीब 5 मिनट पका लीजिए। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। इस तरह से देखिए कितना टेस्टी ये दिख रहा है बनाने के बाद। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे चाहे पराठे से खाएं या चपाती से खाएं या राइस से खाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।